बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3 देयर इक्वल देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट -2, 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन भी किया है ये स्टेटमेंट और वहाँ पे सॉल्व भी किया है। तो आप लोग वो देख लें, वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच की है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद डिस्टेंस फ्रॉम 4, 3 विद डिस्टेंस ए 4, 3 दैट इक्वल देयर डिस्टेंस फ्रॉम -2, 1। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट का इक्वेशन मालूम कर ले जो सेट ऑफ पॉइंट्स हो जो ए और बी से सेम डिस्टेंस पे हो। ए 4, 3 है, मतलब ए इधर कहीं होगा 4 और इधर 3, और ये ए पॉइंट है और बी -2, 1 इधर होगा। तो उस सेट ऑफ, इसको मैं पी कहता हूँ, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो ए और बी से सेम डिस्टेंस पे है, ये पी एक्स व वाई, और ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि सेट ऑफ पॉइंट्स है जो बी और एफ से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस पी ए डिस्टेंस ये बराबर होगा पी बी डिस्टेंस का। तो पी ए हमारे साथ है x2 - x1, तो x - 2 मतलब x - और -2, तो x + 2² + y - 1² इज इक्वल टू x - 4² + y - 3² अंडर द रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हमारे साथ बन जाएगा x + 2² + y - 1² इज इक्वल टू x - 4² + y - 3². अब इसको ओपन कर ले, a + b² फार्मूले सीधे x² + 4 + 4x + y² + 1 - 2y इज इक्वल टू x² + 16 - 8x + y² + 9 - 6y। ये x² के साथ और y² के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4x ये -8x जब इधर पे आ जाए तो +8x हो जाएगा, ये -2y और ये -6y इस साइड पे +6y हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 से 5 आता है और 16 + 9 से आता है 25, तो इधर ये -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4x + 8x से आता है 12x, -2y + 6y से आता है 4y और -20 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया।